हेलो, मेरा नाम हरिराम है और आज 26 जनवरी है और इस रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आज मेरे साथ है मिस्टर ईश्वर सिंह जी, जो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस शुभ दिवस पर अपने विचार हम लोगों को बताएंगे। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर ईश्वर सिंह जी को, वो अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद हरिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज एक बहुत ही पुण्य अवसर है हमारे देश के लिए। आज है हमारा गणतंत्र दिवस, 63वां गणतंत्र दिवस। और चूंकि हम दोस्तों की आपस में एक चर्चा का विषय, हम आज बैठे खाली बैठे हैं और आपस में एक ऐसा विषय हम लोगों ने चुना है और सचमुच विषय बहुत ही अच्छा है और इस पे हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिए। और विषय भी बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं, आज का अपना विषय है कि देशभक्ति तब और देशभक्ति अब। बहुत अच्छा विषय है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस विषय में मैं अपने विचार जो आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, वो सारे विचार बिल्कुल मेरे और अपने खुद के विचार हैं। इसका किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष या किसी से भी कोई लेना देना नहीं, चूंकि आपस की बहस का मौका था। मेरे अपने विचार हैं जो मैं आपके सामने थोड़ा व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने विचारों को इस तरह व्यक्त करूंगा कि उस वक्त क्या देशभक्ति थी और आज देशभक्ति की स्थिति क्या है, एक तुलनात्मक प्रस्तुति आपके सामने करने जा रहा हूं। मैं ये कहूंगा उस देशभक्ति का क्या कहना, उस देशभक्ति का क्या कहना, वो सचमुच देश की भक्ति थी जिसमें गांधी, बिस्मिल, बोस, राजगुरु और भगत सिंह की शक्ति थी। और आज आज भूखा मरे अकेला अन्ना, अरे भूखा मरे अकेला अन्ना पर नहीं किसी को कोई, देश के रूपी भ्रष्ट नेताओं का भारत माता की है रूपी। अरे देशभक्ति तब थी, देशभक्ति तब थी जब लोग सचमुच देश के भक्त थे, जब लोग सचमुच देश के भक्त थे, देश ही सर्वोपरि था उनके लिए, इतने वो सशक्त थे। और आज आज क्या हो रहा है, लूट लो सारी धन दौलत, लूट लो सारी धन दौलत, देश का क्या करना है, अपना उल्लू सीधा करो, मरने दो तुझे। आज ये हो रहा है। देशभक्ति वो थी जब शहीदों ने खाई थी, हमारे वीरों ने खाई थी धड़ 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 सीने में गोली, मातृभूमि पर न्योछावर होने हर एक खेल रहा था खून की होली, मारा था जाकर सुखदेवी ने उस शांत हत्यारे को, और बच्चे बच्चे ने गाया था उस इनकलाब नारे को। और आज का बच्चा इस सुनकर ही हो जाता है मौन। यदि आप उसे पूछो बेटा बताओ भगत सिंह था कौन, क्यों बेटा है, सलमान शाहरुख से कभी पूछ लो उसमें होता बड़ा होशियार। अरे ये दोष उस बच्चे का नहीं है, हमारा है जो उसको दे नहीं पाए वो संस्कार, आज के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन हम बच्चों को छोटे छोटे तिरंगे खरीद कर बांट देते हैं। और गलती से यदि किसी बच्चे के हाथ से तिरंगा नीचे गिर जाए, पानी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो उसे उठाते नहीं, नया खरीद लेते हैं। क्या यही तिरंगे का सम्मान? अरे जिस तिरंगे को फहराने के लिए शहीदों ने हंसते हंसते दे दी थी जान, क्या उस तिरंगे का यही सम्मान? दोस्तों ये उन शहीदों, उनकी शहादत और भारत माता का है अपमान। अब मैं आपको बताता हूं हमारी आज की आधुनिक देशभक्ति का एक प्रश्न। देखिए हर वर्ष बहुत से दिन आते हैं, जैसे टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, इंडिपेंडेंस डे, इसी तरह आज रिपब्लिक डे आते हैं। और बहुत से लोग आज भी सिर्फ मोबाइल पर अपनी देशभक्ति जताते हैं, एक सिंपल SMS भेजकर अपने आप को देशभक्त बताते हैं। क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि आज के दिन यदि उन्होंने SMS नहीं भेजा तो लोग ये जान जाएंगे कि वो देशभक्त नहीं है। इसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या देशभक्ति का तरीका सही है? और
लीजिए एक उदाहरण आपको आज की देशभक्ति का, हमारे नेताओं के बारे में देता हूं, हमारे नेताओं को भी आज ही के दिन देशभक्ति की याद आती है। शहीदों की तस्वीरें निकाली जाती है, उनके फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, भाषण देते हैं गला फाड़ के, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है, और अगले ही दिन उन शहीदों की तस्वीरें अपने आप को धूल के किसी कोने में पड़वा पाती है। क्या देशभक्ति रह गई आज? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आज देशभक्ति है ही नहीं, देशभक्ति है और बहुत देशभक्ति। एक उदाहरण देखिए, हमारी सीमा पर एक जवान, एक सिपाही, एक प्रहरी जब अपना दिन का चैन और रात की नींद होता है, तब जाकर के पूरा देश आराम की नींद सोता है, इसलिए वो देशभक्त सिपाही कल भी देशभक्त था, आज भी देशभक्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक सिपाही द्वारा की जाने वाली देश रक्षा ही देशभक्ति का एकमात्र मापदंड है? क्या वो देशभक्ति नहीं हो सकती? बहुत सी और देशभक्तियां हैं, देशभक्ति के और भी तरीके हैं। इस तरह की देशभक्ति हो सकती है, गरीब किसान को, गरीब मजदूर को न्याय मिले, गरीब असहाय को न्याय मिले, नेता बन ईमानदार बन जाए, गरीब असहाय को न्याय मिले, नेता ईमानदार बन जाए, किसान जी तोड़ मेहनत करे, अध्यापक निष्ठा निकलाए और अध्यापक निष्ठा निकलाए, सरकार प्रतिबद्ध बने मिटाने को भूखमरी और बेरोजगारी, कर चोरी कोई ना करे, जिम्मेदार बने सब अधिकारी, भाषा जाति धर्म का सभी जगह हो सम्मान, ऊंच नीच का भेद कोई ना रखे, ना हो किसी का यहाँ अपमान। तो ये सब मैं समझता हूँ सबके सब देशभक्ति के ही उदाहरण है, और ये सभी देशभक्ति है। इसमें ये नहीं कि कहीं भी देशभक्ति नहीं, यदि हम इन चीजों का अनुसरण करेंगे तो ये देश किसी भी प्रकार की देशभक्ति से कम नहीं है। और अंत में मैं एक अनुरोध के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, 26 जनवरी को यानी आज का दिन, प्रत्येक वर्ष आज का दिन इसी तरह आता है और अगले ही दिन यानी कि 27 जनवरी को चला जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आज के दिन कितने देशवासी देश के प्रति निष्ठा और वफादारी की कसम खाते हैं, और खाते हैं तो उसमें कितने निभाते हैं? इसलिए आइए और आज ये कसम खाइए कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे, और भारतवर्ष को विश्व में बुलंदियों में ले जाएंगे। और ये कब होगा? जब हम देश को रखेंगे पहले, अपने को रखेंगे बाद में, और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों की भी याद में, और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों की भी याद में। धन्यवाद, जय हिंद।